गाइस हमने यहाँ से साइकिल रेंट पे ले लिया, बीटल्स आश्रम इसी में जाएंगे। हमने साइकिल लेकर निकल पड़े हैं बीटल्स आश्रम की तरफ। बीटल्स आश्रम की तरफ गाइस गंगा किनारे आ गए। साइकिल चलाते चलाते थोड़ा सा आगे बीटल्स आश्रम गाइस हम पहुंच गए। बीटल्स आश्रम जैसे 84 कुटिया भी बोलते हैं। यहाँ पे आज आचार्य प्रशांत का अद्वैत महोत्सव चल रहा है, तो आगे पार्किंग में खड़ी करके आते हैं अपनी साइकिल। एपी ढल्लो आ चुके हैं। ये मेडिटेशन डोम है, करना है मन मेडिटेशन? कल किया था हमने। मन को शांत करना है, मन और अमन दोनों शांत है। अमन का मतलब ही शांति होता है। ये शहर है अमन का, यहाँ पे हर दिशा, क्या गाना भूल गया यार मैं, वो भूत वाली मूवी का गाना जो राज मूवी का है ना, यहाँ की फिजाएं हैं निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। आर्ट बनी हुई है दीवारों पे, और ये गेट 84 कुटिया का नाम बताते कि 84 लाख योनि के बाद इंसान का रूप लेता है ना, तो वो चीज ऐसा माना जाता है। बट अभी प्रॉपर नहीं पता कि क्यों रखा गया इसका नाम 84 कुटिया। बाकी अब तो ये बीटल्स नाम से पॉपुलर हो गया, बीटल्स आश्रम। यहाँ पे सारी मेडिटेशन के लिए केव्स हैं। कितना इसका टोटल नंबर बताया था ना, 84 मेडिटेशन केव्स हैं। ये 2015 में फॉरेस्ट विभाग ने लेके सही करी है ये। हाँ खराब था, यहाँ पे टाइगर घूमते हैं। हाँ घूमेंगे, ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आते हैं और बगल में ही पहाड़ है। नहीं ये केव्स है ना, और बाकी वहां पे लोग रहते थे, यहाँ पे मेडिटेशन आते थे। अभी बिल्डिंग में भी जाएंगे भाई, यहाँ पे तो अंधेरा है, इनमें जाने में डर लगता है ना, बाहर ही वहां कहाँ से। ये देख इन्होंने वैसे अंदर से भी थोड़ा करना था ना, अब टिकट से आ तो रहा होगा फंड, बस क्या ही कह सकते। अरे ये इनमें नॉर्मल रोशनी आती होगी तब भी, आजकल भी वैसी आ रही है ना। और भाई साहब कहीं शादी हो रही है लग रहा है, क्या हो रहा है फिर? वैसे ऐसा ऊपर सीढ़ियां आके आके देखते हैं एक बार क्या है ऊपर। ये जर्जर हालत में है, ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, लोग पहले इनमें रहते थे। आ जाए एक को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे दो कमरे और एक टॉयलेट बना हुआ है, 2 BHK रेलवे के क्वार्टर लग रहे हैं। तो अबे इतना वो नहीं है भाई, मजबूत है वो, पहले का है वो। यहाँ से गंगा दिख रही है। गए इस जगह का नाम बीटल्स आश्रम इसलिए पड़ा क्योंकि बीटल्स इंग्लैंड का एक फेमस बैंड था, तो वो यहाँ पे ध्यान सीखने आए थे, महर्षि थे जो यहाँ के उनसे। तो उसके बाद वहाँ यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा गाने लिखे जो वर्ल्ड वाइड हिट हुए हैं, तो उसके बाद से इसका नाम बीटल्स आश्रम पड़ गया। लोग विजिट करने लगे इस जगह को, तो फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोग आए, सब मेडिटेशन केव्स हैं। काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का, और कुछ लोग गाने भी बजा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप नेचर को फील लो। गाने तो आप अपने घर में भी सुन सकते हो जहाँ पे आपको बाहर के नॉइस ब्लॉक करनी हो, यहाँ पे कोई नॉइस नहीं है। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जहाँ लोग रहते थे।
ये गाइस 1960 में किचन बना था और यहाँ पे 500 लोगों का खाना बनता था। तो आज आपको मैं किचन दिखाता हूँ यहाँ का किचन। गाइस ये किचन था, ये यहाँ के महर्षि बने हुए। तो मैं आपको एक बार किचन दिखा देता हूँ, किचन में क्या क्या था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूम हेल, फर्स्ट रूम ये है किचन। ये यहाँ पे बनता होगा खाना, यहाँ पे चिमनी के लिए ऊपर से वो जा रहा है और काला भी हो रहा है। क्या बात है। अच्छा, और ये सारा यहाँ पे कटता होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्या कटता होगा? वेजिटेबल्स, सब्जियाँ कटता होगा, सब्जियाँ। अब चला जा, उत्तराखंड में मैं हूं ना कि तू उत्तराखंड का, मेरे को पता है कटता होगा, सब्जी कटती होगी। जैसे मंदिर लग रहा है, यहाँ संकट मोचन हनुमान लिखा हुआ है। यहाँ पे वो यज्ञ होता होगा, ज्यादा अंदर नहीं जाते, जूते पहन रखे क्योंकि हमने तो यहाँ पे मंदिर होगा। अबे मंदिर है वो, जूते पहन के मत जा। देखो ऊपर बना लिखा भी हुआ हनुमान जी। ये यहाँ पे हमारे तरुण भाई का अड्डा था, यहाँ पे यहाँ तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। हमें एक फोटो के लिए लोकेशन मिल चुकी है, फोटोग्राफी के लिए। वैसे इनकी प्रिंटिंग प्रेस 1960s में बनी थी, जो यहाँ पे वो बुक पब्लिश हुई द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, और महर्षि महेश योगी जी की कमेंट्री जो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के फर्स्ट चैप्टर्स पे करी है। तो इसमें दिखाता हूँ आपको अंदर प्रिंटिंग प्रेस कैसी थी और अब कैसी हो गई। यहाँ पे प्रेस, यहाँ पे प्रिंट होती थी किताबें, छोटी सी जगह ही है। इसके अंदर से आवाज आ रही है, स्पीकर लगा हुआ है इसमें। हाँ, JBL का स्पीकर लगा हुआ है। ये वेद भवन आ गया, 1976 में बना था, जहाँ पे लेक्चर्स होते थे। स्मोकिंग नॉट अलाउड। ये लोकेशन है, फोटोशूट चल रहे हैं। महर्षि और उनके साथ बीटल्स के चारों मेंबर्स हैं। मचाक बना के रखा हुआ है। ये बहुत पॉपुलर है। गायत्री मंत्र लिखा हुआ दीवार पे। All you need is love. Guys, फोटो शूट कराने के बाद यहाँ आ गए हम। यहाँ पे भी एक अच्छी लोकेशन है फोटो शूट्स के लिए। और सामने ऊपर वहाँ पे वो फेमस जगह है जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं ऊपर, सिद्धि भवन बोलते हैं जिसे। और आगे 84 कुटिया, तो अभी वहाँ भी दिखाता हूँ आपको। 84 कुटिया आश्रम है इस जगह का नाम, तो मेन इसी की वजह से यहाँ पे 84 कुटिया हैं। और हर एक कुटिया एक शास्त्रीय आसन दिखाती है, आसन और जीवन के हर पहलू के लिए। तो यहाँ से रास्ता 1084 कुटिया लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कुटिया। गाइस ये 84 कुटे के अंदर, यहाँ पे अंदर हर एक जगह पे ऐसे वो बने हुए हैं। पूरे हॉल में कमरे ही कमरे हैं,
छोटे छोटे। ये है आनंद भवन और सिद्धि भवन, 1976 में बने थे और यहाँ पे वो रहते थे जो मेडिटेशन सीखने आते थे। यहाँ ऊपर छत में वहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, काफ़ी सही लोकेशन आती है वहाँ पे। ऊपर चलते हैं अभी, कैसा है पूरे घर घर जैसे हैं। इनमें रहते थे लोग पहले, वहाँ पे फोटो खिंचा रही लड़की एक, तो ये इसमें चढ़ के काफ़ी पॉपुलर है, देखा होगा आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे। गैसे अमन आया, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है, ये पता नहीं लिख के चला गया। ये बहुत गलत बात है अमन, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसे तू प्रॉपर्टी को खराब कर रहा है भाई। और लोग इसके अमन की तरह और लोग भी हैं जिन्होंने खराब कर रखे पूरी पूरी प्रॉपर्टी। इधर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे कमरा कैसा था। ये यहाँ पे टॉयलेट था ये कमरा, और ये इनकी बालकनी, बालकनी में कोई रेलिंग नहीं है अभी तो। सबसे ऊपर चलते हैं आप जहाँ पे डोम बना रहा हूँ गाइस। ये सिद्धि भवन की छत, यहाँ पे दो डोम है और यहाँ पे फोटो खींचते हैं, यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं सीढ़ी पे चढ़ के, और पीछे पहाड़ आ रहे, मस्त लग रहा है एकदम। क्यों क्या मस्त लोकेशन में करते थे ना वो, ध्यान है। अब हम दूसरे बिल्डिंग में आ गए। यहाँ पे कितने डोम है, तीन है ना शायद, एक एक लेवल ऊपर दो तीन है यहाँ पे शायद। चलते हैं ऊपर। सेकंड वन थर्ड वन तीन है यहाँ पे। ये महर्षि महेश जी का रेजिडेंस था, यहाँ पे रहते थे वो। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से गंगा की आवाज आती है ना, इसलिए बनाया उन्होंने ये इसे अपना रेजिडेंस। अच्छा, वो अपना इंटरेक्शन करते हुए फोटोस क्लिक करवा रहा है यहाँ पे। ये कमरे हैं यहाँ के, लव इज लाइफ, लिव योर लाइफ विदाउट रिग्रेट। दो हजार 2019 में बनी है पेंटिंग, सही में यहां से वो आ रही है गंगा की साउंड। यह है यहाँ की फोटो गैलरी, बीटल्स की फोटो महर्षि के साथ। ये बीटल्स के विजिट,
16:20 में हमारी विजिट कंप्लीट हो गई बीटल्स आश्रम के, वापस चलते हैं। कहीं और भी जा रहे हैं क्या हम साइकिल में? या तो बस कितने बजे की है? तो फिर तू एक जगह बोल रहा था ना, उसको मैं टाइम दिया 3-4 बजे। तो क्या हुआ, होता तो पूरे दिन का ही है ना, और वैसे भी उससे कुछ नहीं होता। अगर कोई जगह तो हम चल लेंगे वहाँ पे, और क्या, आराम से चलेंगे है ना। तो साइकिल लिया तो हमने थोड़ी सी तो चलाई है वैसे भी। बैग उठा लिया हमने हॉस्टल से। हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ, और वहाँ से बस स्टॉप के लिए ऑटो पकड़ेंगे, और फिर दिल्ली के लिए बस पकड़ेंगे, वहाँ से चलते हैं। पुल क्रॉस करी, तू कहाँ पुल पे खड़ा है क्या? हाथ ऊपर उठा। गए जो त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर गए थे हम, ये देखो इतना ऊपर गए थे हम सबसे सब। गाइस यहाँ पे डायरेक्शन लगा रखी है, यहाँ से कौन सा कितना किलोमीटर दूर है। शॉपिंग करने रुक गए थे हम बद्रीनाथ रोड पे तपोवन में। अमन अपनी बहन के लिए ले रहा है कैप्स, तो अभी फोटो भेज रहा व्हाट्सएप पे, देखो कौन सी पसंद आती है। फाइनली ब्लू वाली का अप्रूवल आया वहां से। संडे को मार्केट में ये चहल पहल हो रही है। We'll be right back.